वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माई फ्यूचर कैसे दिस इज रिया कुमारी सो डियर एस एसप्रिंस आज के इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चन जो की आपके अपकमिंग एग्जाम मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में जरूर पूछे जा सकते हैं जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट करके बताए हैं अपने अपने टॉपिक्स सो थैंक यू सो मच अब मैं आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं वीडियोस बनाऊंगी आप लोगों के जो भी टॉपिक्स हैं जो भी इम्पॉर्टेंट आपने मुझे बताए हैं जैसे कि यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स बताए हैं कवर अप करने के लिए डेज एंड थीम्स हिस्ट्री स्लोगन्स एंड बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री तो सारे हम आपके एक एक करके कवरअप कराएंगे तो ये सारे आप लोगों के कमेंट्स हैं तो मैं एक बार आप लोगों को दिखा रही हूँ चलिए हम देखते हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो डियर स्टूडेंट्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं एंड यस प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर अपडेट्स रिगार्डिंग मिलिट्री नर्सिंग सर्विस सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन द एथ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो द शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ ट्वेंटी टू लैंग्वेजेस सो so, वो कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं असामी बंगाली गुजराती हिंदी कनाडा, कश्मीरी कोंकानी, मलयालम मणिपुरी मराठी नेपाली ओरिया, पंजाबी संस्कृति सिंधी तमिल तेलुगू उर्दू बोडो संथाली मेथली एंड डोगरी सो ये है टोटल ट्वेंटी टू लैंग्वेज ठीक है सो द राइट आंसर इज ट्वेंटी टू सो ना मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जब इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट तो डेयर स्टूडेंट्स ये आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा स्पोर्ट्स रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछ सकते हैं इस टाइप का सो द टर्म जब इज रिलेटेड टू अ बॉक्सिंग तो ये आपका जो राइट right आंसर है वो है बॉक्सिंग सो अ टाइप ऑफ पंच इज कॉल्ड जब ठीक है सो अ जब इज अ टाइप ऑफ पंच यूज इन द मटीरियल आर्ट तो आपको जो राइट right आंसर है वो है बॉक्सिंग ठीक है आप इसको याद रखिएगा सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वेन वॉज द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान ऑफ इंडिया स्टार्टेड सो द राइट आंसर इज नाइनटीन फिफ्टी वन ठीक है सो अगर आपसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि हु इंट्रोड्यूस द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान तो उसका जो राइट right आंसर है वो है जोसेफ स्टैलिन ठीक है तो आपसे ये दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में सो ना मूविंग to द नेक्स्ट क्वेश्चन थुमरी इज अ स्टाइल ऑफ इंडियन म्यूजिक दैट originated इन विच स्टेट तो इसको भी आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आपके जीके में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में सो द इट्स ओरिजिनेटेड इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश मेनली इन लखनऊ एंड बनारस इट हैज रोमांटिक लिरिक्स ऑन द लाइफ ऑफ राधा कृष्णा सो इट इज यूजअली परफॉर्म्ड एज अ लास्ट आइटम ऑफ अ ख्याल कॉन्सर्ट So now moving to the next question. The first man-made polymer is. So I padadu, you there are two types of polymers. One is synthetic and another one is natural. So the synthetic polymer are derived from petroleum oil and made by synthetics and engineers. Like for example, synthetic polymer includes neon, polyester, Teflon, and epoxy. तो ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा इसके बारे में राइट सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बेकेलाइट ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया सो तो इसका जो राइट right आंसर है द कैस्पियन सी सो द कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट लेक इन एशिया एज वेल एज द लार्जेस्ट आइलैंड वाटर बॉडी इन द वर्ल्ड सो द वॉटर इन द कैस्पियन सी इज कॉल्ड Caspi brackish as it is neither completely fresh water nor completely saline water. Next question is which of the following is known as black lead? So you, graphite also called a plumbago or black lead. Okay? So graphite is also a crystalline from a autotropic carbon which is dark grey in color.

द टाइटल वॉज वेल सुटेड टू कोरिया बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी ऑफ स्टनिंग माउंटेन्स एंड क्लियर वॉटर एंड स्पलेंडेड पीसफुलनेस तो द राइट आंसर इज साउथ कोरिया स नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिमेटोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है So hematology is a branch of medicine with the study of diagnosis treatment and prevention of disease related to blood it is also related to the treatment of diseases which hampers the formation of blood so the right answer is blood next question is archery is the national sport of which country आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री के कौन सा नेशनल स्पोर्ट्स है ठीक है तो ये भी आप याद रखिएगा स्ट्रेटिक जीके में सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज भूटान नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कैसल टर्म इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स से बनते हैं ठीक है सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज चेस नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन वॉज द फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप इनग्रिएटेड सो so, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सो द राइट आंसर इज द फीफा फर्स्ट वर्ल्ड कप वॉज इनाग्रेटेड इन द ईयर 1930. थर्टी so, सो आप ये डेट याद रखिएगा जुलाई 13, 1930. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्क्लब मिसाइल इज यूज इन विच फाइटर जेट सो पहले मैं आपको बता दू वॉट इज क्लब तो क्लब इज अ लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च स्टैंड ऑफ अटैक मिसाइल ऑफर्ड बाय फ्रांस सो द राइट आंसर इज रफेल जेट नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट सो उसका जो राइट आंसर है दैट इज मणिपुर और वो कौन सा लेक है दैट इज लोटक लेक ऑफ मनीपुर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड का फ्लोटिंग नेशनल पार्क बताइए ठीक है तो उसका जो राइट आंसर है केबुल लैमजॉर नेशनल पार्क नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सो द करेक्ट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू सो ही इज द फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्व प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही टुक द कमांड ऑफ द ऑफिस फ्रॉम फिफ्टीन ऑगस्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन टू ट्वेंटी सेवन मे नाइनटीन सिक्सटी फोर

सो द सरदार वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया ही वॉज अ पोलिटिकल एंड फ्रीडम लीडर इन इंडियंस फ्रीडम स्ट्रगल एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड स्टैचू ऑफ यूनिटी इज बिल्ड इन गुजरात आपको पता ही होगा कौन से रिवर में बिल्ड हुआ है ये द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा ठीक है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट तो ये क्वेश्चन आपके मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एग्जाम में आ चुका है और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं तो उसका जो राइट right आंसर है दैट इज बैडमिंटन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म फॉल्ट इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट सो द राइट आंसर इज टेनिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज किंग्स कप रिलेटेड टू विच स्पोर्ट सो द किंग्स कप इज एन इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज इन थाईलैंड By the Football Association of Thailand. Now, moving to the last question of this video Who appoints Election Commissioner of India? This is the most important question. So, the right answer is President of India. So, dear MS aspirants, today's video, mein bas itna hi आई होप आप लोगों को आज के वीडियो के क्वेश्चन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर बनता है इस वीडियो पे। सो जितने भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो भी न्यू एस्परेंस है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर द मोर अपडेट्स रिगार्डिंग मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एंड इफ़ यू वॉन्ट मोर वीडियोज लाइक दिस देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच जय हिंद